अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। आप लोगों को मालूम है कि आज सुबह एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान कंट्री के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए। एक बड़ी न्यूज़ ये आई थी कि पाकिस्तान की टीम के साबका कप्तान बाबर आजम ने जो T20 और ODI के कप्तान थे और टेस्ट के भी वो कप्तान थे। टेस्ट के 2-3 सीरीज़ से शान मसूद को कप्तान बनाया गया था, लेकिन ODI और T20 में वो कायम थे। लेकिन आज ही सुबह उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो अब T20 और ODI के कप्तान नहीं रहेंगे। अब वो उनका कहना है कि मैं अब सिर्फ बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं, मैं अपना सारी तवज्जो बैटिंग पर देना चाहता हूं ताकि मेरी बैटिंग में और इम्प्रूवमेंट आए। तो ये अच्छा साइन है। आप लोग बताएं कि क्या बाबर आजम ने अच्छा किया या गलत किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नया कप्तान जो सामने आ रहा है मोहम्मद रिजवान, जिनको सामने ला रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जो हो सकता है कि T20 और ODI के कप्तान बन जाए। और एक और नाम है शदाब खान, क्या इनको भी कप्तान बनाया जा सकता है? तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या शदाब खान बेहतर है या मोहम्मद रिजवान बेहतर है। और एक और न्यूज़ है कि इंग्लैंड की टीम मुल्तान पहुंच चुकी है और वो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 7 अक्टूबर को खेलेगी मुल्तान के अंदर। तो उसके लिए भी तैयारियां भरपूर जारी हैं। और एक और न्यूज़ है कि बांग्लादेश को शिकस्त हुई है। दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडिया ने बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया। अपने होम कंडीशन का इंडिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा पाया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हराई थी। लेकिन इंडिया ने अपना पूरा मौका उठाया है और उसको अपनी जो टेस्ट की जो उनकी पोजीशन थी उनको बरकरार रखा है। तो हो सकता है कि अगले टेस्ट चैम्पियन भी इंडिया ही खेले। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो और इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ODI मैचेस चल रहे थे उसमें इंग्लैंड ने सीरीज़ हरा दी है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को देखते रहना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।